दोस्तों, काकोरी ट्रेन की घटना जो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, तो हम देख रहे हैं अमर बलिदान चंद्रशेखर आजाद की जीवनी और ये दूसरा एपिसोड है। हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी प्रयाग पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना। हमारे जवानों के पास पैसे नहीं थे हथियार खरीदने की, और हमारे ही पैसे खजाना से अपनी तिजोरी अंग्रेज भर रहे थे। 9 अगस्त 1925, जो काकोरी ट्रेन एक्शन लिया गया। ट्रेन डकैती में जर्मनी के 4 बड़े माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगा करके राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। उस समय इससे लोग जैसे आजकल AK-47 से डरते हैं, वैसे ही उस समय लोग इससे भी डरते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को परिणाम दिया था। केवल 10 ही क्रांतिकारी पूरे घटनाक्रम को परिणाम दिए थे। अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्रांतिकारियों की बैठक होती है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। इसे बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसके एक प्रमुख सदस्य हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छुट्टी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चैन खींच करके और क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी खजाना लूट लिया। दोस्तों, अब ट्रेन लूटने के बाद खजाने में कुछ पैसे आ गए। अब बिखरे हुए दल को संगठित करने की आवश्यकता थी। वीर सावरकर ने मार्गदर्शन कर आजाद ने इन्हें पुनः संगठित करने की कार्य योजना व्यवहारिक रूप से देना शुरू किया। इसी बीच उनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त व सुखदेव से हुई, जिनके सहयोग से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया। 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठी से मृत्यु हो गई, तो भगत सिंह आजाद ने अपने क्रांतिकारी दल को अंग्रेजों के विरुद्ध और ज्यादा सक्रिय कर दिया। पब्लिक सेफ्टी बिल द्वारा 9 अप्रैल 1929 में ऐसा कानून लागू किया गया जिसके तहत भारतीय मजदूर न तो हड़ताल कर सकते थे और न ही अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय के लिए लड़ सकते थे। इस बिल के विरोध के लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के साथ आजाद भी दिल्ली जाना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद भी दिल्ली जाना चाहते थे, किंतु अपने साथियों के मना करने पर वह नहीं जा सके। असेंबली हॉल में बम विस्फोट के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया था। राजगुरु, सुखदेव, यशपाल आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद के साथियों की भी धरपकड़ के लिए खोजबीन होने लगी थी। जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु पर लाहौर में मुकदमा चला, तो आजाद अपने साथियों को छुड़ाने की योजना में लगे हुए थे, किंतु उसमें वे सफल ना हो सके। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सायंकाल 7 बजे फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा मिली।
आजाद को अब दल के रखे गए रुपयों का उपयोग क्रांतिकारी आंदोलन के लिए करना था। तो वे रुपये जहाँ जमा किए थे वहाँ पहुँचे और वो रुपये इलाहाबाद में पहुँचे थे जो आज प्रयागराज में प्रयागराज है। प्रयागराज पहुँचे, प्रयागराज के में पहुँचने के जस्ट कुछ मिनट के बाद उनके सहयोगी वीरभद्र तिवारी भेदिए ने उनकी मुखबरी कर दी अंग्रेजों को। वे बता दिए, वीरभद्र तिवारी ने बता दिया और आजाद को अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया जो आज प्रयागराज में आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आजाद मौके की नजाकत देख करके अपने साथी को बाहर तो निकाल दिए लेकिन खुद फंसे रह गए। अंग्रेज तो उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। अपने बचाव का कोई रास्ता न देखकर आजाद ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखकर स्वयं को मार लिया। 27 फरवरी 1931 को 10:30 बजे आजाद का पार्थिव शरीर अपनी देशभक्ति की दास्तान कहते कहते सो गया। उनका एक कथन था, जब तक यह बंदूक मेरे पास है तब तक मुझे कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता है। और खुद को स्वयं की ने कनपट्टी पर गोली मार दिया। 27 फरवरी 1931 को वो शहीद हो गया। चंद्रशेखर आजाद एक निर्भीक निडर दृढ़ निश्चयी सरल ईमानदार और सच्चे देशभक्त थे। संपूर्ण देश उनकी सेवाओं उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। ऐसे वीर योद्धा मातृभूमि की सेवा ही सच्ची और समर्थ सेवा है ऐसा वो सोचते थे। ऐसे वीर क्रांतिकारी योद्धा को मेरा सत सत नमन है। इसी के साथ ही हमारे ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी प्रयाग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सभी को अपने देश के अमर शहीद क्रांतिकारी वीरों की कहानी अवश्य जाननी चाहिए और हमेशा ही उनको स्मरण करना चाहिए। भारत माता की जय। जय हिंद।